हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बुधवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर आदित्य सिंह ने निर्देशित किया कि सभी नल जल योजनाओं का कार्य समय सीमा में पूर्ण करें। जहां कार्य की प्रगति का प्रतिशत कम है वहां सतत मॉनिटरिंग कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। सभी अधिकारी मिशन मोड में कार्य करें। स्कूल, आंगनबाड़ी और मतदान केंद्रों में पेयजल संबंधी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित सिसोनिया, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पवन सूद गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचपी सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने क्षेत्र में खुले हुए बोर अथवा सूखे बोर को बंद कराएं। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में ओपर बोरवेल पाए जाते हैं वहां के इंजीनियर की जवाबदारी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी हैंडपंप के पास सोख्ता पिट बनाए जाएं। हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।